फ्रेंड, स्वागत है आपका भोपाल रूना ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं नंदन पहाड़ घूमने के लिए। इस होटल में रुके हुए थे। देखिए, इस होटल का नाम है गणपति होटल, जो कि टावर चौक देवघर के पास स्थित है। अब ये लिफ्ट से हम लोग नीचे जा रहे हैं, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पर हम लोग रुके थे। रूम जो है था फोर्थ फ्लोर पर था, इससे हम नीचे जा रहे हैं। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये टावर चौक है। इसी के जस्ट बगल में ये होटल है, जो कि जिसका नाम है गणपति होटल। ये देखिए, ये होटल भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये गणपति होटल है। ये होटल का देखिए ऊंचाई भी आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा टाइप का बना हुआ है। अंदर में रिसेप्शन अंदर में है। ये टावर चौक के पास आप देख सकते हैं भीड़ ज़्यादा है। अब ऑटो से देखिए, ये टोटो है, जो बैटरी का गाड़ी जो रहता है, उसी से हम लोग देखिए अब जा रहे हैं नंदन पहाड़। देखिए पूरा मस्ती कर रहे हैं। नंदन पहाड़ सुने थे कि शाम के टाइम में जाने में और अच्छा लगता है, पूरा लाइट का व्यवस्था वहाँ रहता है। रात में भी जा सकते हैं, दिन में भी। सुबह 10 बजे से खुल जाता है और रात में फिर 10 बजे तक खुला रहता है। इसका टिकट क्या है देखते हैं, टिकट का वहाँ जाते हैं देखते हैं टिकट क्या प्राइस है। देखिए देवघर का अभी सावन, तो अभी सावन का 10 से 15 दिन ही हुआ था, और देख सकते हैं अभी पूरा रोड खाली खाली है। ये देखिए बैरिकेडिंग बना हुआ है, इधर से गाड़ी जा सकता है, उधर से जो पैदल आते हैं वो सब जा सकते हैं। अब देखिए, ये नंदन पहाड़ पर हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे दुकान भी बहुत सारा दुकान है, साइड में भी। इधर गाड़ी से भी आप पहाड़ तक पहुँच सकते हैं, और ये देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी से भी आप पैदल ऊपर आ सकते हैं। अब हम यहाँ देखिए आइसक्रीम भी लगा हुआ है। अब टिकट कटा लेंगे फिर अंदर जाएंगे, देखते हैं कि टिकट का क्या रेट है। यहाँ देखिए बैलून और भी सारा बिक रहा है। देखिए इसी सीढ़ी से हम लोग धीरे धीरे अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए मेरा बउआ पूरा दौड़ती हुई ऊपर जा रही है। चलो अब देखिए, देखिए इतना सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। देखते हैं, शाम के टाइम में हम लोग आए हैं, 5 से 6 बजे आए हैं। घूमते घूमते देखते हैं कितना टाइम लगता है घूमने में। ये देखिए टिकट का 10 रुपया लिखा हुआ है। यहाँ देखिए टिकट ले लिए, 2 टिकट लिए 10 रुपया का, 10-10, 20 रुपया का। ये मेन गेट हुआ, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। यहाँ देखिए एक मूर्ति बना हुआ है। अब नंदन पहाड़ के बारे में आप लोग को बताते हैं कि क्या किस चीज़ के लिए ये नंदन पहाड़ प्रसिद्ध है, और कि क्या क्यों नाम पड़ा नंदन पहाड़। नंदन पहाड़ शहर के किनारे पर एक छोटी सी पहाड़ी है, जो एक प्रसिद्ध नंदी मंदिर की जो है बेइज्जवानी करता है, और प्रसिद्ध शिव मंदिर का सामना करता है। नंदन पहाड़, आप नंदन पहाड़ जो है देवघर से, देवघर स्टेशन जिसको आप बैद्यनाथ धाम स्टेशन भी कह सकते हैं, वहां से 3 किलोमीटर के दूरी पर ये नंदन पहाड़ स्थित है। पहाड़ पे कई मंदिर आप देख सकते हैं, जिसमें शिव जी का मंदिर, पार्वती जी का, गणेश जी का और कार्तिक जी का खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। और इसी के साइड में आप देख सकते हैं, साइड में एक पानी की टंकी भी है, जो पूरे गंतव्य में फिल्टर किए गए पानी की आपूर्ति करता है। पर्यटक इस साइड से जिले सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। कथाओं के अनुसार रावण ने शिव धाम में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जब नंदी भगवान शिव के द्वारपाल थे। नंदी ने उन्हें भगवान शिव के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। रावण जो था वो क्रोधित हो गया और उन्हें इस साइड पर फेंक दिया, और इसलिए पहाड़ जो है उनके नाम से जाना जाता है। मंदिर के आवास के अलावा आप जो है पहाड़ में नंदन हिल इंटरटेनमेंट पार्क नामक एक प्रसिद्ध पार्क भी है, और नौकायान सुविधाओं की उपलब्धता के साथ पार्क जो है पिकनिक और खेल के मैदानों के लिए आदर्श स्थलों में से एक है। नंदन पहाड़ बच्चों के लिए एक बड़ा पार्क है, और इसमें एक भूत का घर है। आप आइएगा तो देखिएगा, यहाँ एक भूत का घर है। भूत का घर के अंदर आपको डालेगा, फिर गेट लगा देगा और आवाज आएगा।
एक बूट हाउस है और एक दर्पण का घर और एक रेस्टोरेंट है। आप अंदर में खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्ट। झुलुआ झूल रहे हैं। ये झुलुआ बच्चा और बड़ा सबके लिए है, सब झूल सकता है इस पे। ये नहीं है सिर्फ बच्चा के लिए है, बड़ा के लिए भी है। अब देखिए हम लोग झुलुआ झूल रहे हैं। अब झुलुआ झूलने के बाद फिर आगे जाएंगे भूत का घर में। भूत हाँ, का घर दोनों में का है। लगता है भूत का घर है, लेकिन ज़्यादा डर लगेगा नहीं। देखते हैं भूत का दोनों घर में का भी आ रहा जाके है। क्या होता है। ये देखिए मुन्नू भी पूरा मस्ती कर रही है झुलुआ पे। अब उतरिए, मैं झूलूंगी। मेरे को झूला ही पे रहे कि आप रहे झूल रहे। झूल लिए। अब देखिए आगे जा रहे हैं। पूरा पार्क टाइप का बना हुआ है, आप यहाँ आराम से आके बैठ सकते हैं। टाइम पास करने का ये अच्छा जगह है। ये देखिए पानी है, यहाँ भी रात होगा तो यहाँ भी लाइट जलेगा। पूरा पानी देखिए आ रहा है। यहाँ देखिए दो गाछ है, यहाँ भी देखिए सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ देखिए पानी बैठना है, बिल्कुल छू रही है पानी, बिल्कुल ठंडा पानी है। यहाँ दिन में भी सुबह में भी आ सकते हैं, रात में भी। रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। हर जगह लाइट लगा हुआ है और पूरा झुलुआ भी लगा हुआ है। ये देखें, इसमें सावन में यहाँ भीड़ भी ज़्यादा रहता है। सावन में सब लोग आते हैं घूमने के लिए और इससे भी भीड़ रहता है। यहाँ देखिए तारा माची का जो झुलुआ है, नाव है, बच्चा का मिक्की माउस है और एक गाड़ी का रहता है। देखिए नाव है, देखिए ट्रेन का टाइप का बना हुआ है, इसमें भी है बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे लोग के लिए देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ। ये सामने देख सकते हैं आप, भूत का घर है। ये देखिए सब लोग अपना आराम से बैठे हुए हैं। अब देखिए हम लोग इस भूत वाला घर में जाएंगे। इसका 2 रुपया टिकट है। ये भूत का जो घर है इसके अंदर जा के देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा तो क्यों, इसका डिजाइन भी बनाया भूत जैसा ही। हम लोग अभी अब भूत के घर के अंदर अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। ये देखिए भूत का घर है, देखिए किस तरह से पूरा आवाज़ आ रहा था अंदर में। बच्चा लोग को बहुत मेरा पूरा डर गई है कि कैसा आवाज़ आ रहा है। बाहर में देखिए भी छोटा सा लाइट भी जला हुआ है कि सच में ये भूत है। बाहर डिजाइन बना हुआ है, अंदर में भी पूरा आवाज़ आ रहा था। आप लोग देखिए ही बड़ा सा झुलुआ लगा हुआ है, बना हुआ बहुत सारा झुलुआ लगा हुआ है। देखिए इधर भी है, उधर भी है। अब जिधर देखिए झुलुआ, ये देखिए मिक्की माउस है, ये देखिए गाड़ी वाला है, रिमोट से ये गाड़ी चलता है। ये देखिए देखिए ये लड़का है, ये देखिए रिमोट से गाड़ी को चला रहा है। अब देखिए इसको घुमा रहा है। इसका 40 रुपया इसका टिकट का है और 10 मिनट इस गाड़ी घुमाता है, पूरा घुमा रहा है। भगवा भी देखिए पूरा मुस्कुरा रही है। मतलब बच्चे के लिए ये जो स्पोर्ट है बहुत अच्छा है। बच्चे लोग का मस्ती करने का पूरा झुलुआ गाड़ी मिकी माउस हर चीज़ है, आराम से मस्ती कर सकता है। अब देखिए पूरा ये रिमोट से भी चला रहा है, ये भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रहा है, साथ साथ में जा रहा है। अब देखिए महुआ भी पूरा मस्ती कर रही है। ये 10 मिनट अभी घुमाएगा तो बस इसका हो जाएगा। देखिए पूरा मस्ती कर रही है।
पहले तो इस पर बैठना नहीं चाह रही थी, कह रही थी हम नहीं बैठेंगे, हमको डर लग रहा है। फिर इसको बैठाए तब अब कह रही है कि हम मस्त मज़ा आ रहा है, मस्ती कर रही है ये। देखो देखो, अब देखिए मेरा ये बउआ भी बैठ गई है, ये भी थोड़ा भी डर रही है। देख रहे हैं तब, पकड़ो बेटा पकड़ो, तो ये भी बैठ के मस्ती कर रही है। हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे अभी, फिर आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ शिव जी का भी अच्छा बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। अब देखिए ट्रेन का हम लोग दो टिकट लिए हैं, अब ये ट्रेन वाला अभी बैठेंगे, देखते हैं। ये देखिए ट्रेन वाला पर बैठ गए हैं, ये देखिए ट्रेन चालू भी हो गया है, ये देखिए पूरा गोल गोल घुमाता है। ये बउआ कह रही थी कि हम बैठेंगे बैठेंगे, तो बोले अच्छा चलो बैठते हैं। इसका भी 10 रुपये टिकट है एक आदमी का। अब ये देखिए ट्रेन पर बैठ गए, देखिए पूरा घुमा रहा है चारों, सिर्फ गोल गोल घुमाता है। ये देखिए पूरा एक से दो आदमी भी रहता है तो उसको बैठा के घुमा देता है, ऐसा नहीं कि पूरा फुल होगा तब घुमाएगा नहीं, दो आदमी भी हुआ तो वो चला देगा। देखिए अब बउआ भी देखिए पूरा झुलुआ झूल रही है, पूरा मस्ती कर रही है। चलो उतरो उतरो, मेरा लेना थोड़ा सा। अब बउआ को, अब देखिए हम बउआ को कह रहे हैं कि अब छोड़ो बेटा, तो ये मान ही नहीं रही है। अब देखिए इसको हम उतार रहे हैं, अब हम थोड़ा सा झूल लेते हैं। तो देखिए बच्चा का पूरा इसमें है, बच्चे लोग का पूरा मस्ती है। ये पहाड़ है, पार्क भी नाम है, दोनों चीजें। इसको देखिए बउआ हमको झुला झुला रही है, की हो जाएगी देखिए ना जाएगी। अब देखिए अब शाम भी हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा लाइट भी जल रहा है धीरे धीरे, पूरा पार्क में लाइट लगा हुआ है हर जगह। अब देखिए बउआ इस पे अब चढ़ गई, अब देखिए इस पर से ससर जाएगी नीचे, उतरो। अब देखिए देखिए आराम से ससर रही है धीरे धीरे। चलो उतर जाओ, गंदा छोड़ दो, कपड़ा भी गंदा हो गया इसका। चलो ए इधर से आओ, घूमते हुए चल जाएंगे। आगे पार्क अच्छा है, बड़ा पार्क है, छोटा नहीं है। देखिए हर जगह पूरा लाइट लग गया है, ये देखिए अब आप सामने देख सकते हैं। ये झूला है, ये देखिए शिव जी का मंदिर आप देख सकते हैं इधर सामने में है। ये सब बच्चा देखिए एक्सरसाइज कर रहा है इस पर, अब हम भी देखते हैं इस पर करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पहले साइकिल चलाते हैं। आइए बुजुर्ग का भी मानिए एक्सरसाइज आके कर सकते हैं, हर चीज बच्चों के लिए भी है, बड़ा आदमी के लिए भी है, मतलब हर कैटेगरी का ध्यान में रखा गया है कि हर आदमी एंजॉय कर सकते हैं आके। अब ये देखिए पूरा झूला, बउआ देख रही है इसको, बउआ को बोले इस पर चढ़ जाओ, नहीं चढ़ रही थी, फिर देखिए चढ़ गई है, देखिए पूरा मस्ती कर रही है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।